नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्लेनेट प्लेसिस में आपका स्वागत है। काशी को इस संसार के सबसे पुराने नगरों में से एक माना जाता है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा नदी के तट पर वरुणा और अस्सी नदियों के गंगा संगमों के बीच बसी हुई है। इस काशी नगरी को बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में गौरवान्वित और विश्व का इस प्राचीनतम जीवित शहर काशी अपने उद्भव काल से ही भारतीय आध्यात्मिक दर्शन, साहित्य, संगीत और कला का केंद्र रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वाराणसी में घूमने लायक सबसे अच्छी जगह और वहां जाने का सबसे अच्छा समय और वहां कैसे जाया जाए वो आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है भारत कला भवन। भारत कला भवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आया हुआ ऐसा संग्रहालय है जिसमें जाने वाले को संपूर्ण भारत का ज्ञान हो सकता है। अगर यह कहा जाए कि एक तरह से यह भारत की कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा का अनूठा संगम है तो अतिशयोक्ति न होगी। BHU स्थित भारत कला भवन भारत कला, साहित्य, इतिहास एवं सांस्कृतिक सामग्रियों से युक्त भारत के समृद्ध संग्रहालयों में से एक है। दोस्तों, अगर आप वाराणसी आए तो यहाँ आना ना भूले, यहाँ आपको पूरे भारत का दर्शन होगा। नंबर 9 पर है संकट मोचन हनुमान। संकट मोचन मंदिर वाराणसी शहर के दक्षिण में स्थित है। इस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर के आसपास बंदरों की संख्या बहुत है। नाम के अनुसार ही यह मंदिर अपने भक्तों के संकट दूर करने वाला है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना वही हुई है जहां महाकवि तुलसीदास को पहली बार हनुमान जी का सपना आया था। इस मंदिर का निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय ने करवाया था। नंबर 8 पर है ज्ञानवापी कुआं। ज्ञानवापी कुआं ज्ञानवापी मस्जिद के समीप ही बना हुआ है। एक कहावत के अनुसार इस कुएं का पानी गंगा से भी पवित्र माना जाता था और इस कुएं को ज्ञान का कुआं भी कहते हैं। नंबर 7 पर है दुर्गा माता मंदिर। दुर्गा माता मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर वाराणसी के नगर में स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी ने 18वीं सदी में करवाया था। वर्तमान में यह मंदिर बनारस के शाही परिवार के नियंत्रण में आता है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली की नागरा शैली में बना हुआ है। नंबर 6 पर है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसी स्थान पर तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, इसीलिए इसे तुलसी मानस मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की अपनी अलग ही खासियत है। तुलसी मानस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां लिखी है और यहां पर मधुर स्वर में संगीत रामचरितमानस संकीर्तन गुंजायमान रहता है। यहाँ जो भी दर्शनार्थी आता है मंदिर उसकी यादों में बस जाता है। नंबर 5 पर है आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद का स्थापत्य मुगल काल का बेहतरीन नमूना है। गुंबद से लेकर दीवारों पर की गई महीन कारीगरी इसकी कला का बखार करती है। मस्जिद की छत के भीतरी हिस्से में की गई कारीगरी अपने आप में खास है। मस्जिद की खासियत इसकी दो मीनारें हैं जो अभी नहीं है। नंबर 4 पर है रामनगर फोर्ट और म्यूजियम। रामनगर का किला वाराणसी के रामनगर में स्थित है। यह तुलसी घाट के सामने गंगा के पूर्वी तट पर स्थित है। किले तक जाने के लिए पॉन्टून पुल बनाया गया है। मानसून के समय में केवल नौका सेवा से ही आप यहां जा सकते हैं। रामनगर किले में एक मंदिर और मैदान के भीतर एक संग्रहालय है। यह मंदिर वेद व्यास जी को समर्पित है जिन्होंने महान भारतीय महाकाव्य महाभारत लिखा था। संग्रहालय के अंदर विंटेज कारें, रॉयल पालकी, तलवारों का एक शस्त्रागार और पुरानी बंदूकें, हाथी दांत के नमूने और प्राचीन घड़ियां भी रखी गई है। वाराणसी आने वाले पर्यटक रामनगर का ऐतिहासिक किला देखने जरूर आते हैं। नंबर 3 पर है सारनाथ स्तूप। सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है जो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं सारनाथ में ही दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। सारनाथ में महान भारतीय सम्राट अशोक ने कई सारे स्तूप बनवाए थे और अशोक स्तंभ का भी निर्माण करवाया था जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ बौद्ध तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ इतिहासकार और पुरातत्वविद भी आते रहते हैं। नंबर 2 पर है वाराणसी के घाट। दोस्तों, वाराणसी को अगर घाटों का शहर कहे तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ कुल 84 घाट है। श्रद्धालु यहाँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। इन घाटों पर बैठने के बाद आप अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। मन की सारी उथल पुथल यहाँ आने के बाद शांत हो जाती है। सुबह सुबह आप यहाँ बोट राइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। दशाश्वमेघ घाट की आरती का अनुभव भी खास होता है। इसके अलावा यहाँ 80 घाट और मणिकर्णिका घाट भी मशहूर है। नंबर 1 पर है काशी विश्वनाथ। दोस्तों, अगर आप वाराणसी की यात्रा करने जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी।
काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वाराणसी के सबसे खास मंदिरों में से एक होने की वजह से इस मंदिर में रोजाना हजारों भक्त आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप वाराणसी जाना चाहते हैं तो आप देश के किसी भी प्रमुख शहर से वाराणसी के लिए फ्लाइट, ट्रेन और बस से जा सकते हैं। वाराणसी जाने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय गंगा महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोकप्रिय व्यंजनों में दम आलू, बाटी, आलू टिक्की, कचौरी, पानीपुरी, जलेबी, रबड़ी और बनारसी केकन जैसी मिठाइयां भी मशहूर है। अगर आप पान खाने के शौकीन है तो यहाँ का बनारसी पान भी बहुत फेमस है। दोस्तों, अगर आप वाराणसी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।